नमस्ते कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस एन की तरफ से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप चला हुआ है या किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से उनकी बातें नहीं हो रही हैं। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। ये 13 नवंबर से लेकर 19 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, सारी जानकारियाँ दी गई हैं, आप चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कैप्रिकॉन जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है या नो कांटेक्ट में हैं, तो वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। पहले देखेंगे कि वो क्या फील करते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, फिर देखेंगे वो क्या सोचते हैं यानी कि वो क्या चाहते हैं और एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या होगी। क्या फील कर रहे हैं तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, क्योंकि वो मतलब स्टक एनर्जी में है, रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्रॉस मार्क पर खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें अभी इस रिश्ते में इसी तरह आवागमन रखना चाहिए, आना जाना। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी चीज़ें सही हो रही हैं, कभी गलत हो रही हैं। तो उस तरह की पोजिशन रखनी चाहिए या फिर सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि वो इस आवागमन से, इससे बाहर निकलते हुए अभी महसूस कर रहे हैं कि पहले उन्हें अपने जॉब बिजनेस करियर पर ध्यान देना चाहिए। तो उनका दो कई तरह के मन बने हुए हैं। कहीं वो सोच रहे हैं कि पहले उन्हें अपने जो जॉब बिजनेस करियर है अपना खुद को सेटल करना चाहिए, खुद अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। कुछ केसेस में वो समझ रहे हैं कि इसी तरह महसूस करें कि इसी तरह वो उनको आवागमन इस रिश्ते में रखना चाहिए। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई शादी नहीं, कोई विवाह नहीं, लेकिन आना जाना वो लगाए रखना चाहते हैं। तो कुछ केसेस में वो ऐसा फील कर रहे हैं और कुछ केसेस में वो चाह रहे हैं कि उन्हें सही समय आने का, सही वक्त आने का इंतज़ार करना चाहिए। और जब तक सही समय, सही वक्त आ जाता है तब तक वो अपने जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या अपने स्टेबिलिटी पर फोकस करते हैं, उनके ऊपर ध्यान देते हैं। क्योंकि ये एक जॉब का भी कार्ड हो सकता है, जॉब बिजनेस का, और फॉरेन का भी कार्ड हो सकता है। तो जो उनका काम रुका हुआ है पहले वो उसको निपटा लेते हैं, तो ऐसा भी वो फील कर सकते हैं, आपके लिए महसूस कर सकते हैं। देख लेते हैं वो आपसे चाहते क्या है। वो सोचते क्या इस रिश्ते को लेकर। सॉरी गाइस, मैं थक गई थी, दिन में काफ़ी काम था, तो दिवाली का समय है। डेथ, द टावर एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन वो महसूस कर रहे हैं क्योंकि इस रिश्ते में कोई ना कोई मतलब ऐसी बात हो गई है कि जो उनके सामने खुल कर आई है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, या तो कुछ ऐसा हुआ है जो आपने उनसे छिपाया है, जिसके प्रति आप लॉयल नहीं रहे, वफादार नहीं रहे, या फिर उन्होंने आपसे छिपाया है वो। तो इस वजह से इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं आई हैं, दिक्कतें आई हैं, परेशानी आई हैं। रिश्ता टूट गया है, ख़त्म सा हो गया है, वो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। काफ़ी पनौती आप महसूस कर रहे हैं,
आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता जिस रिश्ते में ऑनेस्टी नहीं होती, लॉयल नहीं होता, ऑनेस्ट नहीं होता, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चालबाजी होती है, वो रिश्ता चल नहीं सकता। तो ऐसा वो आप सोच रहे हैं इस रिश्ते में, और वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, चाहे वो या फिर उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं, चाहे वो घर का मेंबर हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई नॉन पर्सन हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, जो भी इस रिश्ते में बाधाएं दे रहा है, जिसकी वजह से भी रिश्ता खराब हो रहा है, या फिर जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, या जगह सिचुएशन हो सकती है, जब तक उन चीज़ों को बदला नहीं जाएगा, ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा, चाहे भले ही उसके लिए दुख तकलीफ क्यों ना हो, क्योंकि जो चीज़ें आप अपने अंदर से गुजरती हैं तो उन्हें पता होता है कि सिचुएशन क्या है। तो जब तक चीज़ें सही नहीं होंगी, तो अभी इस रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा है, कुछ हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रही है, कुछ ना कुछ बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, पनौती आ रही है, रिश्ता ख़त्म हो रहा है, पहले जैसी कोई बात नहीं रही है। तो इसलिए अभी जब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी, सिचुएशन सही नहीं होगी, उन चीज़ों को बदला नहीं जाएगा जो इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, तो तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। इस रिश्ते से वो बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस ये रिश्ता उनके वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता उनको बर्बाद कर सकता है, ये रिश्ता उनको ख़राब कर सकता है। तो देख लेते हैं क्या वो इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन के लिए क्या एक्शन लेंगे। द स्टार, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो हालांकि वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत भी करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए वो क्यों इस रिश्ते में काफ़ी चुप्पी है, खामोशी है, साइलेंस है, कुछ भी क्लियर नहीं है, क्लियर कट नहीं है। हालांकि टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाह रहे हैं वो, लेकिन हो सकता है कि इस रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन भी यहाँ भी इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। काफ़ी खामोशी दिखाई दे रही है, काफ़ी चुप्पी दिखाई दे रही है, कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लैरिटी इस रिश्ते में नहीं है। तो इसलिए वो अभी चुप हैं, मौन हैं, खामोश हैं, कुछ भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस रिश्ते में अब भी कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, कोई तीसरा आदमी है जो, या फिर पैसा इस रिश्ते की प्रॉब्लम बन सकता है। तो अभी वो अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, हीलिंग, मेडिटेशन करना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि जब तक इस सिचुएशन से वो उबर, तभी उभरेंगे जब वो हीलिंग, मेडिटेशन करेंगे, जब तक वो स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर लेते तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, चीज़ें सही नहीं हो सकती, क्योंकि इस कोई ना कोई इस रिश्ते में अब भी खामोशी है, अब भी चुप्पी है, चीज़ें क्लियर नहीं है, चीज़ें कुछ भी बताया नहीं जा रहा है, और इसमें हो सकता है कि तीसरा पर्सन है इन्वॉल्व, जो जिसकी वजह से सब कुछ इस रिश्ते में वो अपना गंवा चुके हैं। तो वो अब स्पिरिचुअल ग्रोथ में जाना चाहते हैं, उस किसी ऐसे पर्सन की मदद लेना चाहते हैं जो उनको हीलिंग दे सके, मेडिटेशन कर सके वो, और इस सिचुएशन से, इस परेशानी से, इस दुविधा से वो बाहर निकल सके। तो यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, चलिए देख लेते हैं। जो ये रीडिंग है काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रही है, कुछ भी इसमें कहीं भी खुशी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इस रिश्ते में बिगनिंग तभी होगी जब ये खामोशी टूटेगी, चुप्पी टूटेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है, ऑनेस्ट, ईमानदारी नहीं है इस रिश्ते में, और तीसरा पर्सन हो सकता है इस रिश्ते में बर्बादी का कारण बना हुआ है। तो
व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स की गाइडेंस है कि जो समय का पहिया आपके फेवर में आ रहा है, जो समय आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो अगर आप उसमें एक दूसरे से कुछ केसेस में ये जो यूनिवर्स गाइडेंस देना चाह रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए जो भी एडिक्शन, जो भी प्रॉब्लम, जो भी इस रिश्ते में बर्बादी का कारण बना हुआ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या चुप्पी है, खामोशी है, कोई राज मिस्ट्री, कोई रहस्य उनका सामने आया है, तो उन चीज़ों को बाहर निकालते हुए उन एडिक्शन को ख़त्म करते हुए एक अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे विचारों के साथ अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं, फिर से रिश्ता एक बन सकता है। लेकिन कुछ केसेस में वो क्योंकि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक दूसरे से माफ़ी मांग कर इस अगले आगे आगे दूसरे रिश्ते की तरफ, एक नए रिश्ते की तरफ, एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक वो इस रिश्ते से बाहर होकर एक नए रिश्ते की तलाश में नहीं जाएंगे, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत नहीं करेंगे, तो तब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वे अपने लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, और कुछ केसेस में रुक कर ठहर कर सोच विचार करके वो जो महसूस कर रहे हैं कि वो उन्हीं के साथ स्टेबल हो सकते हैं, उनके बिना नहीं रह सकते, उनके बिना वो जीवन यापन नहीं कर सकते, तो वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। लेकिन अभी समय वक्त लगेगा, इसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी को होनी चाहिए। बिल्कुल भी अगर कोई भी हेरा फेरी, चालबाजी हुई, धोखाधड़ी हुई, तो फिर से चीज़ें इसमें ख़राब हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी और वीडियो बनाने में आसानी होगी। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।